जिला कवर्धा ब्लॉक पंडरिया से 25 किलोमीटर दूरी पर ग्राम तैतीरनी दमगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में 15-16 वर्ष हो गया आंगनबाड़ी खुला है और अभी तक आंगनबाड़ी में हैंडपम्प नहीं होने के कारण वहाँ के छोटे छोटे बच्चों सहायिका को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपम्प नहीं होने के कारण आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा, वैसे कहे जाए तो बहुत ज़्यादा, अभी खास करके गर्मी मार बरसात में सबसे ज़्यादा समस्या जाते हैं मैडम। अब सहायिका टाइम में आते स्कूल, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद पानी बर्तन करते हैं। तो हैंडपम्प नहीं है तो आप मन के बच्चा माला का परेशानी ही होती? अब का परेशानी हो, बिल्कुल दूर जाते हैं, हाथ पैर धोए रहना तो घर पाँव जूता ना चप्पल नहीं, और परेशानी जाते हैं पानी लाना मैडम कितना धोआ ही आधा किलोमीटर तक है पानी। कितना दूरी से पानी लाते हो, नाला से या नदी से या हैंडपम्प से? हैंडपम्प से लाते मैडम, बाकी दूरी है, हैंडपम्प अभी पर्याप्त पानी नहीं है और इंतजार भी करना पड़ता है, नल में भीड़ भाड़ रहता है, पास में एक नल है वही नल बस चलते है। सर ग्राम तैतीरनी पे 10-15 साल से वहाँ आंगनबाड़ी है और अभी तक वहाँ हैंडपम्प नहीं, हैंडपम्प खुदवाने के संबंध में सर आपका क्या राय है? ऐसा है कि हर साल आंगनवाड़ियों में हैंडपम्प खनन कराने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी जिला से अलाटमेंट मिलता है ना, और मान लीजिए दुर्भाग्य से नहीं हो पाया है, लेकिन इस साल जो भी अलाटमेंट मिलेगा उसमें से आपके ताई तिरनी आंगनवाड़ी केंद्र में हैंडपम्प खनन कार्य कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि ग्राम तैतीरनी दमगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में हैंडपम्प उपलब्ध करवाने के लिए पीएचई अधिकारी श्री रमाकांत शुक्ला जी को 9893859010 इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाइए। मैं दीना गणवीर, ग्राम तैतीरनी दमगढ़ ब्लॉक पंडरिया जिला कवर्धा छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।